भले ही आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने देश में 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही हो, मगर कुछ देश और उस देश के निर्वासित लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के इस जश्न की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनके इस जश्न को ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में बीते 60 सालों से निर्वासित की जिंदगी जी रहे तिब्बतियों ने आज मैक्लोडगंज के चौक पर इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकाला और सीपीसी की सेलिब्रेशन की कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान रीजनल तिब्बत वुमेन एसोसिएशन और सेंट्रल तिब्बत वुमेन एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत निर्वासित तिब्बतियों ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति और उनकी पार्टी देश और दुनिया की आंखों में सदा से धूल झोंकते आई है और आज भी धूल झोंक रही है। उन्होंने कहा कि मगर उनका ये ढकोसला लंबे वक्त तक नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि वो दुनिया के सामने मानव अधिकारों की दुहाई देते हैं, मगर सच तो ये है कि उनका कोई भी पड़ोसी देश आज उनसे खुश नहीं है। पर अभी चाइनीज का जो तिब्बत में उनका जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनका ना 100 साल पूरा हुआ है तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ना तिब्बत में 100 साल से ना लोग ना अभी भी ना टॉर्चर कर रहे हैं ना चाइनीज लोग, तो इसलिए तिब्बत कोई भी ना खुश नहीं है वहाँ पर ना, सब ना उनके नीचे ना अंडर में बहुत सारे ना दुख सह के बैठे हुए हैं, इसलिए तो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए हमने ये दिन रखा हुआ है। शी जिनपिंग का कहना है कि तिब्बत में काफ़ी विकास हुआ है, तो उसको किस तरह देखते हैं? बाहर से तो लोग ना देखने में तो ऐसा लग रहा है विकास हुआ, लेकिन अंदर के जो असल में जो है वो ना अभी भी वही का वही है, क्योंकि अगर आपको ना अगर देश ऐसा बनता है कि लोगों से बनता है लेकिन लोग ही खुश नहीं है वहाँ पर, तिब्बत का देश ही उनका नहीं है लेकिन फिर भी वो ना कब्जा करके बैठे हुए हैं और ऐसे कह रहे हैं बाहर से तो बहुत खुश है लेकिन अंदर में जो तिब्बत लोग जो सही में है वो लोग बहुत खुश सह रहे हैं वहाँ पर। We have organized a candlelight vigil because today marks the concluding event of the CCP centenary celebration. So we are, even though they celebrate it with pride and joy, we are here to say that we do not share the same sentiment as them. Today is a black day for us, not only for us Tibetans but also for Hong Kongers, people in Thailand and people in Southern Mongolia, people in East Turkestan, and today should also be a black day for people in India because of what China is doing to India recently at the border. Even though the world might witness it as a grand tour, we believe that this is a dangerous movement on behalf of China to showcase to the world that everything is right in Tibet, but the actual case is opposite of that. Everything is not right in Tibet. If Xi Jinping continues to visit Tibet, then it will, the people there in Tibet will be more anxious because he will be only there to tighten the freedom, the little freedom that there is left in Tibet. सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।